हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए। लेकिन इस बार का जो गैप है ना, वो थोड़ा लेंदी हो गया। यस आई नो, ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई थी सर्कमस्टेंसेस में, ऑक्यूपाइड, दैट आई वॉज अनएबल टू मेक वीडियोज फॉर यू ऑल। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लव यू ऑल। और मुझे पता है सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ज्यादा स्माइलिंग होंगे। तो मैं आई हूं आज एक ऐसा टॉपिक लेके जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। वो टॉपिक है, हाउ डज आर कम्युनिकेशन पावर अफेक्ट अदर्स। हमारी बातों का क्या असर दूसरों की जिंदगी में या मन पे पड़ता है? तो चलिए सुनते हैं क्या है इसका जवाब। इसका जवाब है, अक्सर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने जानने वालों से मिलते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम बैठते हैं, हम जिससे भी बातें कर रहे होते हैं, तो बातें सुनने की बजाय हम अपनी बातें इन फ्रंट रखते हैं। तो जब अगला बात कर रहा होता है तो बिना सोचे समझे हम अपनी तरफ से एडवाइस देते हैं, हम सजेशंस देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगले के पास उतना उसका पावर है क्या, मन उसका रेडी है क्या एक्सेप्ट करने के लिए आपके सजेशंस, आपकी एडवाइस। कभी कभी हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे नेक दिल से हम बोलते हैं कि हाँ ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन सामने वाला हो सकता है आपकी बातों को नेगेटिव ले ले, उसको वो बातें जज्ब ना हो, मन कमजोर हो, मन स्ट्रांग ना हो, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लेता है इंसान। तो बहुत केयर लेनी चाहिए, क्योंकि जो बातों की बातों में जितनी मिठास होगी ना, उतनी आप दूसरों की जिंदगी में मिठास घोल सकते हैं। बहुत जरूरी है आप पहले उस पर्सन के जैसे सोचने की कोशिश करें कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप अपने हिसाब से मत सोचिए। हम अक्सर यही करते हैं कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हाँ वी थिंक वी आर राइट, वी आर रेडी टू गिव एडवाइसेस, और हम जज भी करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये बहुत आदत होती है कि सामने वाले को जज कर देते हैं, क्रिटिक्स पास कर देते हैं। यस, हम बहुत सारी चीजों में किसी को अप्रिशिएट करने की बजाय, एक्सेप्ट करने की बजाय हम बहुत सारे क्रिटिक्स पास कर देते हैं। सभी करते हैं, सभी करते हैं। तो आप अपने अंदर झांकिए पहले कि पहले आप वो जिस पर्सन से भी आप बात कर रहे हैं उनकी मन की गति को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद धीरे धीरे प्यार से, जैसे आप प्यार से अपने बच्चों के साथ बात करते हैं या घर में छोटे बच्चों के साथ या किसी के साथ बात करते हैं, तो कितनी मिठास होती है। बहुत लफ्जों में मिठास डालिए बोलने से पहले, क्योंकि जितने आपके लफ्जों में मिठास होगी उतना सामने वाले को पावर मिलेगा। वो मिठास से इतना पावर मिल जाएगा कि वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इट्स नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट हाउ अदर्स आर फीलिंग एट द टाइम ऑफ गिविंग एडवाइस। सो बी वेरी अवेयर कि आप कैसे एडवाइस कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर का में कितना स्वीटनेस है। आपकी जितनी जबान मीठी होगी ना, उतनी आपकी जिंदगी भी मीठी होगी और दूसरों की जिंदगी में आप मिठास घोल सकेंगे। तो बहुत केयर करिए इस चीज को। और एक सिंपल प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप किसी से मिलते हैं, हो सकता है आपका मूड बहुत अच्छा हो लेकिन सामने वाले का मूड बहुत खराब भी हो सकता है। पहले मूड को चेक करिए कि अगला ठीक है क्या, उसको पहले हालात, उनके कैसे हालात चल रहे हैं वो पूछें। मन उनका प्रसन्न है, नहीं है, दुखी है, पहले जानिए, हर चीज को समझिए, उसके बाद ही अपने मन से जो निकले बातें उनके लिए कहिए, और बहुत मिठास घुल के कहिए। एकदम से गुस्से में, एंगर से, और ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी लागू करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत कॉन्शियस होके एडवाइस दीजिए, बहुत कॉन्शियस होके अपने कम्युनिकेशन पावर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर एक बार आप अपने हरकतों पे अगर फोकस डाल देंगे कि आप कैसे हरकतें कर रहे हैं, किस टाइप से आपकी भाषा है, आपकी बोली है, क्योंकि बोली जो जब मीठी होती है ना तो हम खुद मीठे हो जाते हैं, तो जिंदगी तो मीठी होगी ही होगी। तो जितनी आपकी बोली मीठी होगी ना, उतनी मिठास आपकी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में पड़ती है। तो बहुत अच्छे से ये छोटे छोटे से टिप्स है जो आप फॉलो करना है, और आप इसको करिए। और कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर वीक है, तो प्लीज डू व्हाट्सएप मी, हेजिटेट मत करिए, क्योंकि आई एम हियर टू डेवलप योर कम्युनिकेशन पावर। तो आप इस पे
वर्कआउट करिए, थोड़ी थोड़ी सी ध्यान देने से बहुत सारी जिंदगी में हमारी चेंजेस आते हैं। तो आज से ही ध्यान देंगे इस बात पे कि हमारी बोली में हम मिठास भरेंगे। तो भरिए अपनी बोली में मिठास और बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ये हैप्पीनेस सब पे रेडिएट करिए। Be very smiling. I love you all. God bless you all. Thanks for watching my video. Namaste. Pranam.